रेजिस्टेंस हीटिंग, ठीक है। तो हमारा जो जब रेजिस्टेंस, जब सर जैसे ही बोला हीटिंग वर्ड, तो हीटिंग का मतलब तुरंत लॉ आ जाता है उसके ऊपर, लॉसेस के ऊपर। नहीं, जब भी हीटिंग का मतलब क्या है, लॉसेस टेम्परेचर को राइज करने का मतलब कहीं आए इस पर। जब रेजिस्टेंस की बात है, तो रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल सी बात है कि कोई ऐसा मटेरियल लेंगे, ऐसा मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास कर रही हो, तो उससे क्या होगा कि हीट डेवलप होगी, जैसे टेम्परेचर क्या हो जाएगा उसका, राइज कर जाएगा। और हम उसको अपने जिसके जिसके थ्रू इस्तेमाल, जिसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके करस्पॉन्डिंग उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो नीचे लिख लो, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन आई स्क्वायर आर लॉस, ठीक है। आई स्क्वायर आर लॉस के करस्पॉन्डिंग है, वेन एवर एवर करेंट पासिस थ्रू मटेरियल, ठीक है, हीट इज प्रोड्यूस बिकम आई स्क्वायर और लॉस, ठीक है। अब ये जो मेथड है वो टू टाइप्स का है, टू टाइप्स ऑफ मेथड। दिस मेथड्स ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग, टू मेथड्स ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग, ठीक है। फर्स्ट वन है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, पहला है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग एंड सेकेंड वन इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। रेजिस्टेंस हीटिंग ठीक है, हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे कि पहले तो क्लियर है कि जो हमने लिखवाया है फर्स्ट वन कि रेजिस्टेंस हीटिंग, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन आई स्क्वायर आर लॉस वेन एवर द करंट पासिंग थ्रू मटेरियल। मटेरियल में क्या होगा, करंट पास करेगी तो उसका जो मटेरियल में भाई रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस जब करंट पास करेगी तो आई स्क्वायर आर होगा, ठीक है। तो हीट इज, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी बिकम आई स्क्वायर आर लॉस के फॉर्म में, ठीक है। और ये दो टाइप का होता है, एक है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और दूसरा है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो देखो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये एक फनल लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये हो गया। इसको चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ये कुछ इस टाइप का हो जाता है लाइक दिस वन, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे ये एसी और डीसी दोनों के लिए अप्लीकेबल है। अगर दो इलेक्ट्रोड हो तो दो, तीन है तो तीन लगेंगे इलेक्ट्रोड, ठीक है। थ्री पे सप्लाई तो थ्री पे तीन इलेक्ट्रोड चाहिए। तो यहाँ पे ये लाइक दिस वन एक दूसरा, अगर दो टू फेस करस्पॉन्डिंग तो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और इसमें क्या होगा, वो जो मटेरियल है उसको भर दिया, जो भी मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ आयरन के स्टोर के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑयल्स के फॉर्म में हो सकता है, पाउडर के फॉर्म में हो सकता है, जिसके रूप में भी हो सके, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, लाइक दिस वन, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाएगी, ठीक है, दोनों कनेक्ट कर दिया। अब एक चीज और बनती है कि बीच में हो सकता है यहाँ पे एक पाउडर रख दिया जाता है कि ड्यूरिंग ये वाला पोर्शन, थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे पाउडर रख देते हैं, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस पाउडर,
पाउडर रखते हैं बीच ऊपर, ठीक है, इसको बोलते हैं चार्ज, इसको बोलते हैं फर्नेस, ठीक है, फर्नेस, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड हो गया, चार्ज हो गया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, इन दोनों को क्या बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोड। एसी और डीसी दोनों के लिए होता है, ठीक है। अब देखो, अब कहोगे सर कि ठीक है, ये जो जो भी है, ये जो चार्ज आपने बताया है, सॉलिड पीस के फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ये जो चार्ज है मटेरियल वो है, ठीक है। हम पहले डिस्कस करेंगे डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में, अभी लिखवाएंगे, तो पहले इसको समझ लो, और अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अभी लिखवा भी देंगे, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, आपका जो मटेरियल होता है जिसको हम चार्ज बोलते हैं, उसको हमने पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जब इसमें पुट करने के बाद होगा क्या कि जब यहाँ से सप्लाई देंगे, अगर टू फेस एसी, चाहे एसी भी के लिए भी है और डीसी के लिए भी, अगर थ्री फेस अप्लाई करना है तो यहाँ पे थ्री इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, ठीक है, सिंपली सी सिंपल सी बात। तो होगा क्या कि जब ये करंट पास करेगी इधर से, जब करंट इन दोनों इलेक्ट्रोड के करस्पॉन्डिंग जब करंट पास करेगी, तो क्या होगा, अब ये जो मटेरियल है, ठीक है, जो चार्ज है, वो क्या होगा, आई स्क्वायर आर, भाई जो इसका रेजिस्टेंस होगा तो आई स्क्वायर आर होगा, करंट फ्लो कर रही है तो आई स्क्वायर आर की वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगी और हम उसको इस्तेमाल करेंगे, नहीं, और ये यूनिफॉर्मली होगा, ये कैसा होगा, यूनिफॉर्मली होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ होती है कि हो सकता है कि अब ये ऊपर आप कहोगे सर ऊपर आपने हाई रेजिस्टेंस पाउडर क्यों लगा रखा है, इसलिए लगा रखा है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के चांसेस बनते हैं ऊपर वाले में, जो ऊपर वाले सरफेस है, अगर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हुआ तो करंट कैसे इधर से निकल जाएगी, नहीं, इधर से फ्लो करने लगेगी, जिसकी वजह से जो हमारा मेन मोटिव है कि आई स्क्वायर आर जनरेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा आई स्क्वायर आर जो हो तो वो क्या लॉस ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तभी तो हीट में कन्वर्ट होगा, तो वो हमारा कम हो जाएगा, दैट्स वाई। तो पाउडर से क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस, ये जो भी हाई रेजिस्टेंस का पाउडर है कि जिसकी वजह से मोस्टली करंट किधर से पास करेगी, इधर से ही पास करेगी, मतलब ये इसका रेजिस्टेंस इतना हाई होगा ऊपर वाला का कि अगर यहाँ से पास करना चाहेगी तो आई स्क्वायर आउट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इस चार्ज के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये एसी और डीसी दोनों के लिए अप्लीकेबल है। अब इसी चीज़ को लिखवा देते हैं, ठीक है, पहले इसको छाप लो जल्दी से, हाई इफिशियंसी बिकॉज ऑफ द हीट इज प्रोड्यूस, द हीट इज प्रोड्यूस इन द चार्ज इज सेल्फ, चार्ज इट्सेल्फ, ठीक है, इट्सेल्फ, ठीक है, क्लियर है। देखो वही चीज़ हमने जो बताई थी वही चीज़ लिखवा थी, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में इन दिस मेथड, देखो इन दिस मेथड पढ़ते जाओ और समझते जाओ, ठीक है। इन दिस मेथड द मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल का मतलब जो चार्ज है ना, इस चार्ज को हम मटेरियल बोलते हैं, मतलब जो मटेरियल उसको हम चार्ज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चार्ज टू बी हीटेड इज ट्रीटेड एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है। जो मटेरियल है वो किसकी तरीके से बिहेव कर रहा है, जो मटेरियल है, जो चार्ज है, वो किसकी तरीके से बिहेव कर रहा है, एक रेजिस्टेंस के तरीके से, ना, जिसमें द मटेरियल टू बी हीटेड इज ट्रीटेड एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड करंट पासिंग थ्रू इट, जो करंट इसमें क्या करती है, पास करती है, द चार्ज मे बी इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, देखो पॉइंट ऑफ यूनिट, पाउडर के फॉर्म में हो सकता है, स्मॉल सॉलिड पीसेस के फॉर्म में हो सकता है, और लिक्विड के फॉर्म में, ये तीन चीज आपको पकड़ के रखनी है। पाउडर के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ये जो चार्ज है मटेरियल वो किसके फॉर्म में हो सकता है, पाउडर के फॉर्म में हो सकता है, और स्मॉल आयरन पीसेस के फॉर्म में हो सकता है, स्मॉल आयरन सॉलिड पीसेस के फॉर्म में हो सकता है, और लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, ये चीज पकड़ के रखना। द टू इलेक्ट्रोड आर इंसर्टेड इन द चार्ज एंड कनेक्टेड टू द
कनेक्टेड टू आइदर एसी आर डीसी सप्लाई, एसी या डीसी सप्लाई से क्या करता है कनेक्ट कर दिया जाता है। व्हेन द चार्ज इन, ठीक हो, व्हेन द चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल आयरन पीसेस, ए पाउडर ऑफ हाई रेजिस्टिव मटेरियल इज स्पंड ओवर द सरफेस ऑफ द चार्ज टू अवॉइड डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो हमने जो बताया कि व्हेन द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पीसेस, यहाँ पे क्या होता है एक पाउडर के फॉर्म में यहाँ पे रख दिया जाता है जो अवॉइड करता है क्या शॉर्ट सर्किट पाथ को। ठीक है, जो शॉर्ट सर्किट पाथ को क्या करता है अवॉइड करता है ओवर द अवॉइड डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट, जो डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट यहाँ से हो सकता है चांसेस बन सकते हैं तो उसको क्या करता है अवॉइड करता है। क्यों, क्योंकि बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा जिससे क्या होगा कि करंट अगर इधर से पास करेगी तो हमको आई स्क्वायर आर लॉस ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में जो लॉसेस होता है यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो करंट इधर से ना पास करके इधर से ही पास करती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट चांसेस बन सकते हैं, दैट्स वाई कि करंट यहीं से पास कर गई तो आई स्क्वायर आर जो हमारा मेन मोड था वो नहीं पूरा होगा। इस वजह से हीट इज प्रोड्यूस व्हेन द करंट पासिंग थ्रू इट, दिस मेथड ऑफ हीटिंग हैज हाई इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी क्या होती है हाई होती है। क्यों, बिकॉज ऑफ द हीट इज प्रोड्यूस इन द चार्ज इट्सेल्फ, क्योंकि वो जो चार्ज है वो खुद इसमें इन्वॉल्व है किसके लिए हीट को जनरेट करने के लिए, दैट्स वाई इसकी इफिशियंसी क्या होती है ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसमें एडवांटेज में बहुत सारी चीज़ें अपने साथ बना के ले सकते हो कि जो हीट होगी कैसी यूनिफॉर्मली होगी, इफिशियंसी क्या होगी हायर होती है। ठीक है, नहीं और ये क्लीन है, ये दुनिया भर के जो हमने पहले बता रखा था एडवांटेज में वो सब आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बना दो इसको, फिर हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का रिस्पॉन्ड। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में इसमें क्या होता है डायरेक्ट टच में नहीं होता, इसमें क्या होता है कन्वेंशन और रेडिएशन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं हीट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। देखो कैसे, ये तो हो गया आपका चैम्बर जो भी है लाइक दिस वन का रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, चार्ज यहाँ पे ऐसे भरे जाते हैं, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, चार्ज हो गई, ये मटेरियल भर दी इसमें, भर दिया पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे आएगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, यहाँ से दे दिया। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं जैकेट, क्या बोलते हैं जैकेट, ये क्या है चार्ज, ठीक है, ये क्या है हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट होगा, और ये जो होता है ये पोर्शन नॉर्मल से बताइए सिलेंडर है। ठीक है, इसमें क्या होता है सप्लाई जैसे देते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई आपने दिया, ये जो हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, और ये जो होता है आपका ये जैकेट, ये जो जो बाहर वाला पोर्शन है वो जैकेट है, और इसमें क्या होता है चार्ज होते हैं। ठीक है, तो चार्ज ये हीटिंग एलिमेंट के थ्रू क्या होता है जो चार्ज होता है वो यहाँ से इधर की तरफ जो एनर्जी जाती है थ्रू कन्वेंशन और रेडिएशन के थ्रू, ठीक है, डायरेक्ट टच में नहीं होता है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। ठीक है, नीचे लिख लो इसी चीज को, टेम्परेचर कंट्रोल कैन also provided, be provided.
तुम्हारी पे, ठीक है? या तो कोई डाउट नहीं? तो देखो हमने क्या बताया था भाई कि इनडायरेक्ट हेडिंग में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे सप्लाई देते हैं, सप्लाई के थ्रू क्या होता है ये जो क्या नाम है हीटिंग एलिमेंट है, ये आपका क्या है हीटिंग एलिमेंट फिलामेंट टाइप का होता है, ठीक है, जो कि गोल गोल सा ऐसे रहेगा, और जब ये इसमें करंट जाती है तो उस करंट की वजह से क्या होगा, ये जो आपका जो आप बोल सकते हैं चार्ज है या मटेरियल है वो क्या होता है विद हेल्प ऑफ यहाँ से क्या होता है कन्वेंशन या आप रेडिएशन या दोनों मेथड के थ्रू क्या होता है इसमें क्या होती है हीट जाती है, ठीक है, इससे वो क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखते हैं, इन द मेथड ऑफ द हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू ए रेजिस्टेंस एलिमेंट विच इज प्लेस इन ए इलेक्ट्रिक ओवन। तो इलेक्ट्रिक ओवन क्या कर दिया गया, प्लेस कर दिया गया। हीट इज प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर लॉसेस, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या होता है आई स्क्वायर आर लॉसेस करस्पॉन्डिंग, जो भी इसका रेजिस्टेंस होगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग इन द हीट हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट में द हीट सो प्रोड्यूस इज डाइवर्टेड डाइवर्ट ये क्या द हीट क्या लिखा है हीट एलिमेंट, ठीक है, यहाँ तक लॉसेस इन द हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद द हीट इज हीट सो द हीट सो प्रोड्यूस इन लीवर टू द चार्ज आइदर बाई रेडिएशन आर कन्वेंशन आर बोथ मेथड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, ठीक है। समटाइम रेजिस्टेंस इज प्लेस इन ए सिलेंडर विच इज कैन बी सराउंडेड बाई चार्ज प्लेस इन द जैकेट, दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल कैन बी आल्सो प्रोवाइड। तो ये यूनिफॉर्म टेम्परेचर भी प्रोवाइड करता है और ऑटोमेटिक कंट्रोल भी आल्सो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये होगी हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट हीटिंग, ठीक है। बस इसमें क्या होता है कन्वेंशन और रेडिएशन मेथड के थ्रू क्या होता है या दोनों के थ्रू क्या होती है इसमें क्या होती है हीट जाती है, ठीक है। और किसके थ्रू, ये इस फिलामेंट के थ्रू, फिलामेंट गर्म होगा तो उसके थ्रू इसमें हीट जाती है जिससे ये क्या होता है ये दोनों गर्म हो जाते हैं। तो ये इसके हो गए इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। चलो इसको बना लो।